हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के ऊपर। ओके, तो इससे पहले हमने की थी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के ऊपर, और उससे पहले भी काफ़ी वीडियोस अपलोड हो चुके चैनल के ऊपर। अप्रोक्सीमेटली 40 वीडियोज यानी 40 वीडियो जा चुके चैनल के ऊपर, और आपके नीट एग्जामिनेशन तक ऐसे ही रेगुलर वीडियो सीरीज चलती रहेंगी। तो यदि आपको रिक्वायरमेंट है, यदि आप प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप चैनल को फॉलो कर सकते हैं आगे आने वाली वीडियोज के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड इज, ऐसा कौन सा एंजाइम है जो कि ब्लड के अंदर CO2 ट्रांसपोर्ट करवाता है? तो उस एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज हेल्प्स इन CO2 ट्रांसपोर्ट इन ब्लड। ओके, ये एंजाइम है, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम्स इन, लंग्स का कंजेशन होना एक मेन सिम्टम्स है किस डिजीज के अंदर? तो वो आपका हार्ट फेलियर। ठीक है, हार्ट फेलियर के अंदर हार्ट कंजेशन ऑफ लंग्स कंडीशन आती है, किसी के कारण क्या हुआ, हार्ट फेलियर हुआ है, ये इसका सिम्टम्स है। कंजेशन ऑफ लंग्स किसका? हार्ट फेलियर डिजीज का। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रोंकियल रेस्पिरेशन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन एंड पल्मोनरी रेस्पिरेशन रेफर्स टू। इस क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया है कि ब्रोंकियल रेस्पिरेशन किससे किया जा सकता है, किस पार्ट से किया जा सकता है, क्यूटेनियस किस पार्ट से किया जा सकता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन किस पार्ट से किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, जो ब्रोंकियल रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा किया जाता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन के द्वारा किया जाता है, और पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रेस्पिरेशन फर्स्ट, ब्रोंकियल रेस्पिरेशन गिल्स, उसके बाद में स्किन, उसके बाद में पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स के द्वारा। ठीक है, तो फोर्थ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच आर नॉट करेक्टली मैच, हमको नॉट करेक्टली मैच हमको ऑप्शन इनमें से फाइंड आउट करना है। चलिए रीड करते हैं वन बाय वन। पहला है नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/120 mmHg, तो ये रॉन्ग है, फर्स्ट वाला ही रॉन्ग है। ये आना चाहिए था पहले 120 आना चाहिए था, फिर 80 आएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो रेशो है ये फिक्स होता है। ठीक है, ये 120 यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर होता है, 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है, तो इन्होंने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया, 80 को क्या कर दिया इन्होंने, सिस्टोलिक कर दिया, लेकिन 120 सिस्टोलिक है, तो फर्स्ट वाला रॉन्ग हो गया। ठीक है, सेकंड क्या है कि स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, बिल्कुल ठीक है। थर्ड है कार्डिक आउटपुट 5000 ml और या 5 लीटर भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी है ब्रीथिंग रेट 44 to 46 टाइम्स पर मिनट, ये रॉन्ग हो गया, ए और डी अब तक रॉन्ग है। ई क्या है, हार्ट बीट रेट 72 टाइम्स पर मिनट है, ये भी ठीक है। फिर क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल 0.8 सेकंड होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब तक दो ही ऐसे ऑप्शंस हैं जो कि रॉन्ग हैं, ए और डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी यही होगा, थर्ड वाला, ए एंड डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर लंग कैपेसिटीज, ठीक है, लंग्स की जो कैपेसिटीज है किसकी ज़्यादा कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ गैस अपने अंदर रखने की या छोड़ने की, तो वो हमको बताना है कैपेसिटीज। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कैपेसिटी होती है आपकी वाइटल कैपेसिटी यानी VC सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? इसके अंदर आपका ERV, TV और IRV आता है। ERV से क्या मतलब हुआ, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और TV से क्या मतलब हुआ, टाइडल वॉल्यूम, और IRV से मतलब हुआ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो VC के अंदर तीनों के तीनों आते हैं। फिर उसके बाद में आता है IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी उसके बाद में ज़्यादा होगी, इसके अंदर आता है टाइडल वॉल्यूम और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। फिर आता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, इसके अंदर आपको एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को ऐड करना पड़ेगा, और लास्ट में आएगा आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, क्योंकि इसके अंदर टाइडल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अब आपको वॉल्यूम्स वगैरह याद होना चाहिए, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, ERV कितना होता है, IRV कितना होता है, ठीक है, उस बेसिस पर आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग काजी द डिक्रीज इन ऑक्सीजन अवेबिलिटी टू द टिश्यू बिकॉज, कहते हैं कार्बन डाई मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का मतलब है कि यदि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है तो जो टिश्यू हैं उनके पास में कम ऑक्सीजन पहुंच पाती है। ऐसा क्यों?
देखिए जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन पहुंचाता कौन है, हेमोग्लोबिन पहुंचाता है, ठीक है। तो यदि हेमोग्लोबिन, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन के साथ में, वो ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 300 गुना ज़्यादा, यानी 300 टाइम मोर है ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन के साथ में। तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड आ गया ऑक्सीजन के कंपेरिजन में, तो ज़्यादा बाइंड करेगा तो ऑक्सीजन कम बाइंड कर पाएगी, इसलिए टिश्यू को कम अवेलेबिलिटी होगी ऑक्सीजन की। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि द बाइंडिंग बाइ कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड्स द हेमोग्लोबिन एंड टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, जिसके कारण जो ऑक्सीजन है कम बाइंड हो पाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी, ऑल ओवर रिजल्ट ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन से ज़्यादा है ऑक्सीजन के कंपेयर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसिडेंस ऑफ एम्फाइसिमा ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स इन सच केसेस। एम्फाइसिमा एक डिजीज जो कि नीट में अब की बार रिसेंट में क्वेश्चन पूछा गया है, एम्फाइसिमा क्या होता है, किसके कारण होता है। तो कहता है कि सिगरेट स्मोकर्स के अंदर एम्फाइसिमा का जो इंसिडेंस है वो ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो एल्वियोली हैं, जहाँ पे आपकी जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है, वो डैमेज हो जाती हैं। इन दिस केस एल्वरी वाल्स आर फाउंड डैमेज्ड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एम्फाइसिमा डेलर्स मेनली बिकॉज ऑफ, एम्फाइसिमा मेनली क्या सिम्टम्स किसके कारण होता है, तो ये है सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है। एम्फाइसिमा डेवलप्स मेनली बिकॉज ऑफ सिगरेट स्मोकिंग, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंग फाइब्रोसिस इज द फेलर ऑफ फीचर ऑफ, लंग फाइब्रोसिस किसका फीचर है, किसके कारण होता है। तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक है, इनके कारण क्या होता है, लंग फाइब्रोसिस होता है। ओके, ऑक्यूपेशनल का मतलब क्या होता है, जो एक्वायर किया गया है, ठीक है, जैसे कि जो लोग कोयल फैक्ट्री, कोयल जो खान होती हैं, कोयले की जो खान, वहाँ पे काम करते हैं, ठीक है, या पत्थर ग्राइंडिंग जो इंडस्ट्री, उनके अंदर काम करते हैं, तो वहाँ पे उन पीपल्स को लंग फाइब्रोसिस होने के चांस ज़्यादा हैं। तो ये सब आते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के अंदर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वीट ग्लैंड, हमको मैचिंग करनी कॉलम 1 की कॉलम 2 से। स्वीट ग्लैंड के अंदर क्या होता है, आपका सोडियम क्लोराइड होता है और स्मॉल अमाउंट के अंदर यूरिया होता है। सीबेसिस ग्लैंड के अंदर स्टीरोल्स और हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लीवर के अंदर कोलेस्ट्रॉल और बाइलीरुबिन्स बनते हैं। और जो लंग्स हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज वगैरह करता है, तो इससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा थर्ड वाला, ठीक है, मैच कर लेना आप सब, थर्ड वाला इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इफेक्ट ऑफ 2,3-DPG ऑन ह्यूमन ब्लड इज दैट, ठीक है, जो 2,3-DPG यदि ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाए, ये केमिकल लगा लो आप कुछ भी, ठीक है, केमिकल है जो कि यदि ह्यूमन ब्लड के अंदर ज़्यादा हो जाता है, तो क्या करता है कि जो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कैपेसिटी हेमोग्लोबिन के साथ में, उसको डिक्रीज कर देता है। तो क्या करता है, इट डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ O2 फॉर हेमोग्लोबिन, तो सेकंड इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इतने MCQs, यदि आपको हेल्प हुई हो तो आप चैनल को ज़रूर फॉलो करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, ताकि उनको फ़ायदा हो उसके। और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।